हिमाचल प्रदेश के बाद जहां लगातार ये चर्चा में है। पहले सैलरी संकट को लेकर सुर्खियों में आए हिमाचल प्रदेश में, अब मस्जिद पर राजनीति गरमा गई। शिमला के संजौली में एक निर्माणाधीन मस्जिद को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। आरोप है कि एक मस्जिद की इजाजत वहां थी लेकिन तीन मंजिल मस्जिद यहां पर बना दी गई। मामला कोर्ट में चला गया। इस मामले में हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में जो बयान दिया उस पर कांग्रेस के में सन्नाटा था और बीजेपी की बेंच तालियां बजा रही। सबसे पहले तो क्या प्रशासन से मंजूरी ली गई? ये शिमला की तस्वीर है और हिमाचल से आई है जहां सरकार के हाथ खाली हैं। खजाना खस्ता हाल है, सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है और सीएम तक को दिलासा देना पड़ रहा है कि जैसे न तैसे तनख्वाह का इंतजाम हो जाएगा। पैसे पैसे को तरसते हिमाचल की राजधानी शिमला के एक हिस्से में बेरोजगारी लाचारी की कोई बात नहीं हो रही। विवाद का शोला धधका है तो इस मस्जिद पर जिसे अवैध बताया जा रहा है, जिसे गिराने के लिए धरना दिया जा रहा है। आरोप है कि शिमला के इस संजौनी इलाके में एक ही मंजिल का निर्माण वैध, लेकिन तीन मंजिल की ये मस्जिद खड़ी कर दी गई और इसके पीछे रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ हो सकता है। आमतौर पर हिंदू मुसलमान वाली राजनीति से दूर रहे शिमला में अब लव जिहाद जैसे लफ्ज का दाखिला हो गया है। खुद राज्य सरकार के मंत्री को लव जिहाद का खतरा सता रहा है। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां सो रहा था सर? आज संजौली बाजार में छोड़ो परे लोअर बाजार में लोअर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही है सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है। एक अवैध निर्माण पर मजहबी राजनीति का तूफान तेजी से आगे बढ़ गया। उत्तर के इस विवाद में दक्षिण के नेता असदुद्दीन ओवैसी फौरन कूदे, सोशल मीडिया पर विरोध का बयान जारी किया। हिमाचल में सरकार भाजपा की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत, ये वीडियो में हिमाचल का मंत्री भाजपा की जुबान बोल रहा है। हिमाचल में ऐसा पहली बार हो रहा है। उत्तराखंड के बाद हिमाचल में भी मस्जिद की राजनीति गरमा रही। सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में हिमाचल का सियासी चरित्र बदलने वाला है? शिमला से विकास शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।